सब्जियां भाजी बहुत महंगिया है, मतलब प्याज जरा 100 रुपये किलो जे, अदरक जरा भी 100 रुपये किलो जे, तो सारिया सब्जियां मतलब मंडिया च महंगिया, पिछे अगे गाहक पैसे नहीं भरता, सब्जियां मतलब कोरे कारे की वजह करके भी कुछ मारिया जाए, जिदा मटर मुटर हो गया असर पैदा जे सब्जी तो वजह करके मतलब महंगिया है सब्जी, तो गाहक मतलब बेचारे परेशान ने। सब्जियां इस वे बहुत ज्यादा महंगी हमारी रेंज चो बाहर हो चुकी ने, प्याज 100 रुपये किलो हो चुका है, जिहड़ा 20-25 रुपये इन्हां दिनां च मिल जांदा सी, आलू भी इसे तरह ही 10 रुपये वह भी 20-25 रुपये अजकल, हरे मटर भी हर सब्जी बहुत ज्यादा महंगी आ, हुण इह नहीं पता किसान पैसे कमा रहा वा कि ब्रोकर कमा रहे ने, पर इस वेले हाड़ी रेंज चो चीज़ा सारिया बहर हो चुकी ने, तो जो लैन आई दा वा तो हूँ अद्धा अद्धा किलो 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 ना टाइम सारना पै रहा वा, महंगाई बहुत ज्यादा उपर जा चुकी है, आम आदमी जरा वा रेंज चो हर चीज़ बहर हो चुकी है। इस तरह जी भी कम अं कणक की जिमीदार बिजाई कर रहे हैं, तो कणक जी के तैयार हो रही है, बूटे बने ने, तो जे वो कणक से अपने धुंध का जो असर है 12-1 बजे तक रहा, तो कोई गल नहीं गई थानू फायदेमंद आ, तो जे कोई यह जी गल लंबाई हो जाती है तो कणक वास्ते नुकसानदेह हो सकता, बहुत वड्डा नुकसानदेह, क्योंकि उस कणक का जो पौधा बदलना नहीं गा, हाँ जी, तो ग्रोथ घट जानी है, झाड़ भी करना वा। कणक की फसल उपर जी हूँ धुंध पै रही है गहरी, ये कणक की फसल वास्ते बहुत लाहेवंद है, लेकिन जे ये धुंध जी आई एक हफ्ते तक पवे, एक हफ्ते तो बाद सूरज निकल आवे, रोज़ रोजाना पवे 11 बजे तो बाद सूरज निकल आवे, तो सब तो लाहेवंद जी चीज़ आ ये है, लेकिन जे ये लौंग टाइम जे पई जाए 35 या 40 दिन की जो कणक हो जाती उस तो बाद भी लगातार जे ये रही नुकसान है, 35-40 दिन तो बाद कणक नूं ठंड की लोड़ है, क्योंकि ठंड जी होएगी सर्दी तो उहदे नाल इहदी टिलरिंग होएगी, अगर इस तो बाद 35-40 दिन तो बाद भी धुंध पैंदी आ उहदा कणक ते नुकसान होएगा।